1000 साल पुराना पानी का स्रोत, गुजरात की मिट्टी में छुपा प्राचीन खजाना, भारतीय शिल्पकारी का खूबसूरत उदाहरण। ये है रानी की वाव। द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द टाइप ऑफ इमेजेस टाई अप विद व्हाट वी कॉल द मारू गुर्जर स्टाइल, which is the dominant style of Western India in the medieval period. Murti kala ke roop mein agar dekha jaye, to sometime around 1050 AD is when it was probably built. Ek dilchasp baat bataun? Is bauli ka aakar dekhne mein kuch ulte mandir ke jaise lagta hai. Ek mandir ground ke upar jaise hota hai. ठीक, अगर उसी बिल्डिंग को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसी ही आकृति है बावली की। सो इट गेट्स वाइडेस्ट ऑन द टॉप एंड नैरोएस्ट एट द बॉटम। इस बावली में 7 लेवल्स हैं, जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा गया है। पता है, चौथा लेवल सबसे गहरा है, लगभग 23 मीटर गहरा, और यहां बना है एक बड़ा सा वाटर टैंक। तो क्या होता है कि जो सबसे गहरा अंश है उसमें पानी भरा रहता है, और सूखे के टाइम सिर्फ उसी के अंदर पानी रह जाता है। लेकिन बरसात में जैसे जैसे पानी भरता रहता है, तो आपके पास कुएं के अलावा ये सारे तल भी हैं भरने के लिए। ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनाए हैं, लेकिन इस बावली को 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था, और इसका मकसद था पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाना। ये जो पाटन की बावली है, उस पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए जाते थे, और उन सीढ़ियों पर जाकर हम पानी लेकर इकट्ठा करके लेके आते थे जो हमारे पीने के लिए काम आता था। इसलिए बावड़ी जो है ना, वो भारत के जल प्रबंधन का एक आइडियल मॉडल है। यहाँ 500 से भी ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, जिनमें विष्णु के अलग अलग अवतार नजर आते हैं। जो उस जमाने का क्यूरेटर रहा होगा, वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता होगा कि मैं किस मूर्ति को कहाँ लगाऊं, जो प्रकृति से न सिर्फ संबंध रखते हैं, लेकिन उन चीजों से, जैसे जो खास करके जिनका जल से संबंध है। ऐसी देवी देवताएं यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि इंद्र, वरुण, विष्णु नारायण का वो रूप मिलेगा जो पानी से संबंध रखते, मतलब के अनंत या शेषनाग के ऊपर। बावली की खूबसूरती को 4 चांद लगाते ये फ्लोरल पैटर्न्स और डिजाइन्स देख रहे हैं। इनकी झलक पाटन गांव में बनी पटोला साड़ीज में भी मिलती है। पाटन में पटोला पैटर्न्स का काम सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं इन पैटर्न्स को बनाने की शुरुआत उन परिवारों ने करी थी जो बावली के आसपास रहते थे, और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को अपनी कला के जरिए जिंदा रखा है। जो रानी की वाव में पटोला की डिजाइन है, वो लोगों को दिखाने के लिए पटोला में से ली गई है, ताकि लोग देख सके कि पटोला की डिजाइन ऐसी होती है। दूसरे कपड़े में पहले वीविंग होता है, फिर डिजाइन प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर पटोला की जो डिजाइन होती है साड़ी में, वो उसके धागे पर पहले से ही बनाई जाती है। ये खासियत है जो पाटन का पटोला की है, वो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही है। बावली या स्टेप वेल्स इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वज ना सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की अहमियत को समझते थे, बल्कि इसके नए नए तरीके भी सिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत की ये इमारतें आज मॉडर्न आर्किटेक्चर की इंस्पिरेशन बन गई हैं।